देखिए आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेकर अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे। और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मनसा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है, चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है।